जिले में चल रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर सीएम का उड़न दस्ता इन दिनों रेवाड़ी में सक्रिय दिखाई पड़ रहा है। गत दिवस दिन भर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने के बाद बीती देर रात सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम के साथ मिलकर रेवाड़ी के सैनी मोहल्ला स्थित पनीर विक्रेता के यहाँ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने वहां से करीब 550 किलोग्राम पनीर काबू किया। टीम ने पनीर के सैंपल लेते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन टीम को देख पनीर विक्रेता और पिकअप चालक मौके से फरार हो गए। ये कुतुबपुर के अंदर एक पिकअप के अंदर पनीर सप्लाई करने के लिए आ रहा था, तो उसको सीआईडी डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग की सहायता से हमने वहाँ रोक कर सैंपल लिए गए। सैंपल जांच के लिए भेज दिए जाएंगे, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई। कितनी मात्रा में पनीर पकड़ा गया? लगभग 550 केजी पनीर। तो सर, जिस तरीके से चर्चा है, लोगों की शिकायतें भी आ रही है कि मिलावटी पनीर का कारोबार आजकल तेजी से फल फूल रहा है, तो उसकी दिशा में क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? उस पर चेकिंग की जाएगी, जहाँ मैनुफैक्चरिंग प्लेस हो इंस्पेक्ट किए जाते हैं, तो रेगुलर सैंपल भी लिए जाते हैं। पहले पनीर, दही और मिल्क प्रोडक्ट के सैंपल लिए गए हैं।